हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो आज टुडे हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि कैसे कैसे हम जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सो एक हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि जो एसेट्स का टोटल है वो हमारा लाइबिलिटीज प्लस जो ऑनर्स इक्विटी है, जो भी ऑनर ने कैपिटल लगाई है उसके इक्वल होगा। तो आज की हम क्लास में कुछ रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज की जो क्लास है वो स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी रूल्स के ऊपर सारी जनरल एंट्रीज बेस्ड है। ओके, इस रूल से आप किसी भी, आपको मैं जो रूल्स बताने वाली हूँ अभी 5-6 रूल्स हैं, उसके बेसिस पे आप किसी भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? जो आपके पास कुछ एसेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो फर्नीचर है वो एसेट्स है। आपके पास जो चेयर टेबल है वो एसेट्स है। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स का क्या रूल है अकाउंटिंग में? जब एसेट्स बढ़ेंगी ना, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, जब एसेट्स बढ़ेंगी, जब जब आपकी एसेट्स बढ़ेगी आप उसको डेबिट करोगे। ओके, जब जब आपकी एसेट्स कम होंगी, डिक्रीज होंगी, आप उसको क्रेडिट करोगे। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट रूल है, रूल 1, ये है एसेट के लिए। अभी हम लेटर ऑन एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो है जो आपको अमाउंट देना है। जो सेकंड रूल है वो है हमारा लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज वो होती है जो एक अमाउंट आपको किसी को देना है कि आपकी लायबिलिटी, आप उसको पे करोगे। तो लायबिलिटीज का एसेट्स के अपोजिट होता है। जब लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो वो हम क्रेडिट करते हैं, जब लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो हम उसको डेबिट करते हैं। ओके, थर्ड वन इज कैपिटल। इसके लिए हमारा रूल 3। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे। लायबिलिटीज और कैपिटल का एक ही ट्रीटमेंट है, जब कैपिटल कम होगी तो आप उसको डेबिट करोगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये रूल्स अभी मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, उसके बाद आपको मैं अप्लाई करना बताऊंगी बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस या लॉसेस। जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। देन अनदर वन इज रेवेन्यू या गेन्स। जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ओके, तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं एक बारी। रूल 1, एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी, एसेट्स कम होंगी तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट होगा। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, कम होंगे तो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू और गेन्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। तो हम अब एक एक करके एग्जांपल लेंगे, फिर हम आपको एग्जांपल में आगे आगे क्लैरिफाई करेंगे कि कौन से आइटम्स एसेट्स हैं, कौन से आइटम्स को आप लायबिलिटी बोल रहे हैं, कौन से आइटम्स को आप कैपिटल बोल रहे हैं, कौन से आइटम्स को एक्सपेंस बोल रहे हो या लॉसेस बोल रहे हो, कौन से आइटम्स को आप गेन बोल रहे हैं। ओके, देन अब हम एक एक करके एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद इसको क्लियर करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, लेट सपोज रोहित एक पर्सन है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीस 5 लाख। ठीक, रोहित एक पर्सन है जिसने क्या करा, अपना बिजनेस शुरू करा। जब सपोज बिजनेस स्टार्ट होता है तो इसमें क्या हो रहा है, हर, मैंने आपको बताया ना ड्यूअल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं, इसके दो इफेक्ट्स होंगे।
बिजनेस स्टार्ट होता है, एक तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रही है, क्योंकि रोहित बिजनेस में दोनों चीजें लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री जो करेंगे, मैं आपको डेबिट और क्रेडिट वाले फंडे पे बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जो 5 लाख का बिजनेस शुरू हुआ है तो इससे इसकी क्या बढ़ रही है, कैश आपकी एसेट है, ये कैश अकाउंट बन रहा है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया ना, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड अनदर वन इज कैपिटल। कैपिटल भी आपकी बढ़ रही है, ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। ओके, तो इस एंट्री के दो इफेक्ट हो गए, आपका कैश बढ़ रहा है दैट इज डेबिट, एंड कैपिटल भी बढ़ रही है दैट इज क्रेडिट। ये हो गया आपका एक एग्जांपल। अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट सपोज परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹60,000 एंड चेक इशूड। वहां पे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में बैंक था, सॉरी कैश था, इसमें बैंक इन्वॉल्व हो गया क्योंकि चेक है तो बैंक है। इसमें भी दो चीजें हैं, फर्नीचर अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है एंड बैंक अकाउंट है आपका एसेट अकाउंट। जब एसेट बढ़ती है, जब आप फर्नीचर लोगे तो आपकी एसेट बढ़ेगी, एसेट्स इंक्रीज, और आपका बैंक कम होगा, एसेट डिक्रीज। यहां पे क्या है, सेम दो एसेट्स हैं, फर्नीचर और बैंक। फर्नीचर आपका बढ़ रहा है तो इंक्रीज, बैंक आपका कम हो रहा है तो डिक्रीज। अब हम कुछ और जनरल एंट्रीज करते हैं, एक एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब मैं आपको जनरल एंट्री पास करना बता रही हूं यहां पे, जो पहले मैंने आपको उसका ट्रीटमेंट बता दिया कि आपके अलग अलग अकाउंट्स में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। आपने बिजनेस शुरू करा, इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपका कैश बढ़ा है, बिजनेस में कैश आया है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, और मैंने आपको बताया इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट। जो कैपिटल अकाउंट है इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश बढ़ा है तो उसको डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट अकाउंट है, और कैपिटल बढ़ेगी तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट। सेकंड एग्जांपल है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम, कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स वाई जी फॉर ₹36,000। आपने कितने के गुड्स खरीदे, 36,000 के। इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जी अकाउंट, 36,000। अब आपके यहां पे दो चीजें होंगी, गुड्स परचेज करे आपने एक्स वाई जी से 36,000 के, तो गुड्स आपके परचेज है, परचेज आपका क्या है, खर्चा है। एक्सपेंस अकाउंट का क्या मैंने ट्रीटमेंट बताया था, अगर खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ते हैं तो आपको उसको करना है डेबिट, और एक्स वाई जी है, किसी का नेम है तो ये क्रेडिटर अकाउंट पे, जब किसी का नेम आ जाता है ना दैट मीन्स इट्स ऑन क्रेडिट। अगर ये कैश पे होता तो कैश होता, बैंक पे होता बैंक पे, ये आपने क्रेडिट पे लिया तभी किसी का नाम मेंशन है,
ये एक याद करने का तरीका है इसको, ये कैश पे है क्रेडिट पे, अगर किसी का नेम मेंशन है दैट इज इट मींस एक्स वाई जी इज क्रेडिटर, आपको उसको पैसे देने हैं, पैसे देने हैं तो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट, आपकी आपकी एसेट आ गई, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, गुड सोल्ड टू प्रिया, यहाँ पे हमने परचेज करे थे, यहाँ पे गुड सोल्ड कर रहे हैं हम प्रिया को 10,000 रुपीज में। आप कोई चीज की सेल करोगे गुड सोल्ड टू प्रिया, यहाँ पे किसी का नाम है, इट मींस आपने ये क्रेडिट पे सेल करी है, अदरवाइज यहाँ पे कैश लिखा होता या बैंक लिखा होता। आपने किसी को क्रेडिट पे सेल करा है, किसको सेल करा है, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्रिया क्या है? आपकी डेटर है, आपने उसको क्रेडिट पे गुड सोल्ड करें तो आपको आगे फ्यूचर में पैसा देगी, आपको पैसा देगी, तो 10,000 आपका क्या है, डेटर्स हैं। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू, सेल अकाउंट क्या है आपका, रेवेन्यू अकाउंट है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिट। ओके, तो ये तीन एग्जाम्पल हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में या किसी में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने पेमेंट करी है सैलरी की कैश में, जब आप सैलरी की पेमेंट करोगे, सैलरी अकाउंट आपका एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होता है और आपका कैश चला गया, कैश अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है। ओके, तो आपको बस इसमें अकाउंट रिकॉग्नाइज करने हैं, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है आपका खर्चा है, कैश आपका एसेट अकाउंट है, तो एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कैश कम होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे आपने सैलरी पे कर दी है, यहाँ पे आपका मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ, लेट सपोज आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मींस आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है पर आपने पे नहीं करी। किसी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, किसी ने फरवरी मंथ में काम किया है आपके ऑफिस में, आप इसकी एंट्री लास्ट टाइम पे, मतलब आप इसकी फर्स्ट या सेकंड मार्च को एंट्री पास कर रहे हो कि आपकी सैलरी किसी ने काम कर लिया तो आप पे वो आउटस्टैंडिंग होगी, आपको वो पे करना है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस अकाउंट है, तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट आपका है एक्सपेंस अकाउंट, तो एक्सपेंस बढ़ते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिट, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इट मींस ये आपका लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटीज अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है कि इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट। ओके, हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम थोड़ा जीएसटी का इफेक्ट लेके हम एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करो सीजीएसटी आपका है 5% एंड एसजीएसटी सेंट्रल एंड स्टेट आपका 5% है। अब क्या होता है, ये कोई पर्सन है जिसकी बुक्स कहाँ मेंटेन हो रही है, सुमन है, सुमन कहाँ का पर्सन है, बिहार का। ओके, तो हम एक जनरल एंट्री करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी, आपने कुछ परचेज करा, गुड्स बॉट फ्रॉम झारखंड ऑफ रुपीज 3,50,000, आपने झारखंड से गुड्स खरीदे कितने के, 3,50,000 के, इसकी एंट्री क्या होगी, जब आप कोई चीज परचेज करते हो आप नॉर्मल एंट्री पास करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट
बैंक और कैश, बट इस एंट्री में आपकी किसकी इन्वॉल्वमेंट है, सीजीएसटी, एंड आपको बता दिया गया ये इतना इतना टैक्स लगेगा। ये क्या है, ये दो स्टेट्स के बीच में है, बिहार एंड झारखंड के बीच में। तो आप जब गुड्स परचेज करोगे तो आपका लगेगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने का लगेगा, 350,000 पे आपका कितना बन रहा है, 10%, तो आपका बनेगा ये 35,000। आप इसका टोटल करके यहां लिख लीजिए, नेक्स्ट वन इज आपने यहां पे परचेज की एंट्री करी। अगर आप गुड सोल्ड करते हो, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख, आप कहां गुड्स बेच रहे हो, उत्तर प्रदेश में। मैं आपको अभी इनपुट और आउटपुट के बारे में बताऊंगी कि इनपुट किसे बोलते हैं, आउटपुट किसे बोलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, आप कुछ सेल करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल कर देते हो। सेल कितने की करी आपने, 1 लाख की। टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, दैट इज 10 लाख का 10%, 10,000, एंड बैंक अकाउंट डेबिट इज 1,10,000 जो आप पे करोगे। देखो इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क है ये हम समझ लेते हैं एक बारी। जीएसटी में आपको, आप सेल करते हो, लेट सपोज आपके प्रोडक्ट की एमआरपी है 100 रुपीज, आप उस पर जीएसटी लगाते हो 18%, 18 रुपीज, आप इसको 18 रुपीज में सेल कर देते हो किसी कस्टमर को। आप इस कस्टमर से 118 रुपीज लेके किसको जमा करा देते हो, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देते हो। आपका काम यहां पर खत्म हो गया। इस पर्सन ने आपसे 100 रुपीज का सामान खरीदा, 18 रुपए जीएसटी आपको पे करा है, 118 रुपीज आपकी पॉकेट में आ गए जिसमें से आपने 18 रुपीज गवर्नमेंट को जमा करा दिए। ऑन द सेम साइड कस्टमर आपसे गुड्स खरीद रहा है 118 रुपीज में। अब बायर क्या करेगा, बायर क्या करेगा, 18 रुपीज का क्रेडिट ले लेगा जो कि इसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, पर इसने आपको ये अमाउंट पे किया है। तो बायर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा, गवर्नमेंट को जब टैक्स जमा कराएगा, तो वो 18 रुपीज का क्रेडिट ले लेगा आगे। तो जो सेलर है, जो आप सेल कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, जो आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो। और जो कस्टमर आपको पे कर रहा है उसके बाद जो उसका क्रेडिट ले रहा है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी, मतलब जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। एज्यूमिंग सीजीएसटी 5% है, एसजीएसटी 5% है। ही बॉट कंप्यूटर फॉर रुपीज 10,000, किसी ने कंप्यूटर खरीदा 10,000 का। कंप्यूटर आपकी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो आपका क्या होता है, डेबिट टू बैंक। अब जब आप कुछ परचेज करोगे तो आपका सीजीएसटी भी लगेगा, आईजीएसटी भी लगेगा। सीजीएसटी कितना है इस पे, 5%, एंड आईजीएसटी कितना है, 5%। जब भी आप कुछ परचेज करोगे आप उसका इनपुट लोगे। आप अगर बायर हो आप इनपुट लोगे, इनपुट जब आप लोगे, इनपुट हमेशा होगा आपका डेबिट और आउटपुट हमेशा होगा आपका क्रेडिट। ठीक है, आपने इनपुट लिया तो आपने क्या करा, अपने सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि आप इसका इनपुट आगे यूज कर सकते हो। इनपुट आपकी क्या है, एसेट है, तभी तो आप उसको डेबिट कर रहे हो, क्योंकि आप इस इनपुट को आगे अपनी जब रिटर्न फाइल करोगे, टैक्स पे करोगे, तब आप इसको यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल है ये। पेड पोस्टल चार्जेस ऑफ रुपीज 2,000, आपने पोस्टल चार्जेस पे करे,
मैंने आपको पहले बताया एक्सपेंस अकाउंट जो होगा आपका वो होगा आपका डेबिट टू बैंक, बट यहाँ पे आपका क्या है, आपका आईजीएसटी है, सीजीएसटी है एंड एसजीएसटी है, तो आप इसका इनपुट लोगे। 5% आपने सीजीएसटी लिया, 5% आपने एसजीएसटी लिया, कितना बनाइए 100, तो आपका टोटल आ गया 2200। तो इसमें जो इनपुट और आउटपुट का यही कॉन्सेप्ट है, जब भी आप कुछ परचेज करोगे तो आपका इनपुट, आप पे करोगे टैक्स, आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हो। जब भी आप कुछ सेल करोगे तो आपने उससे पैसे ले लिए हैं, आप उसको आउटपुट आईजीएसटी में दिखाओगे कि आपका ये आउटपुट है, आउटपुट आईजीएसटी, जो हमेशा होगा क्रेडिट, वो आपकी है एक तरह से लायबिलिटी। तो आज की क्लास में हमने अपनी सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने ये देखा कि एसेट्स का ट्रीटमेंट, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, रेवेन्यू का ट्रीटमेंट, ये आपके 5 मेजर कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग पे, जिसपे पूरी अकाउंटिंग बेस है, जिसमें आपको बस आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये टाइप ऑफ अकाउंट किस टाइप का है। ये एसेट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, ये गेन अकाउंट है, ये लायबिलिटी। अगर आप इसको, ये चीजें आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो फिर आपको सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करना है जो मैंने आपको बताया। मैं आपको फिर वंस अगेन रिवाइज करवा देती हूँ, एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट होगा, एसेट्स कम होंगी तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट होगा, एंड रेवेन्यू एंड गेन्स आपके बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा एंड कम होंगे तो डेबिट होगा। तो आपको ये, आपको कुछ एंट्रीज सॉल्व करनी है, उसके बेसिस पे आपको क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल के आपको कुछ एंट्रीज बता दी, आपको कुछ और एंट्रीज सॉल्व करनी पड़ेंगी, जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एसेट्स और लायबिलिटीज इन सब में क्या फर्क है, और कब आपको डेबिट करना है, कब आपको क्रेडिट करना है। तो इसी के बेस पे सारी जनरल एंट्रीज जो हमारी अकाउंट्स की बेस है। ओके, थैंक यू। तो थैंक्स फॉर द टुडे क्लास, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।